अध्यक्ष महोदय, इसी देश को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए बम, बारूद और मिसाइल की जरूरत नहीं होती है। शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कर देना और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार ही किसी देश को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होता है, ये विजनरी लीडर नेल्सन मंडेला ने कहा है। अध्यक्ष महोदय, बीएससी की प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षाओं में युवाओं के साथ अन्याय हुआ, जिसमें हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है और अभी अभी ईओडब्ल्यू में भी एफआईआर दर्ज हुई। भविष्य में पूर्ण पारदर्शिता के साथ बीएससी परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा और आवश्यक रिफॉर्म बीएससी में सुनिश्चित किए जाएंगे, यह संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। राज्य में कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए राज्य पुलिस बल में 1889 पदों की वृद्धि की गई है। रायपुर तहसील ऐसे तहसील अध्यक्ष महोदय जहां बस्तर संभाग के सभी जिलों में जितने राजस्व प्रकरण नहीं है उससे ज्यादा एक एक तहसील पर हैं, इसलिए वहां पे अतिरिक्त पद सृजित करके राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इस हेतु तहसीलदार के 30 और नायब तहसीलदार के 15 नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया। भवन विहीन छात्रावास आश्रमों के 46 भवन निर्माण हेतु 78,10,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बलरामपुर, महाराजगंज, शंकरगढ़, डिंडो, राजपुर, लखनपुर, कांसाबेल, बगीचा, दोकड़ा, बतौली, मनोरा, कोदबा, दुलदुला, पंडरीपानी, तपकरा तथा नर्मदापुर तथा पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास हेतु जसपुर नगर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास पैकू, दोकड़ा, रौनी, गाला, कोदबा, बागबहरा, लोदाम, दुलदुला, लवाकेरा, पंडरीपानी, कांसाबेल, बटईकेला, कुनकुरी, देवगढ़, मंगारी, बतौली, घाटबर्रा, नवापारा, लखनपुर, कमलेश्वरपुर तथा लुंड्रा प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास करजी, धौरपुर, बोंदा, अंबिकापुर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास महासमुंद, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बाजार अतरिया, कोरबा, करतला एवं प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास अंबिकापुर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। 5 संभाग मुख्यालयों में नवीन स्नातकोत्तर छात्रावास की स्थापना हेतु 2,40,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य के दूरस्थ एवं अंतिम छोर पर स्थित जिला बीजापुर में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 44 पदों का सृजन एवं 1,45,00,000 रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। 40 व्यवहार न्यायालयों तथा 10 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना हेतु 360 पदों का सृजन एवं 21,00,000 का प्रावधान किया गया है। जिला मुंगेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के लिए 9 पदों का सृजन और इस कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। कटघोरा जिला कोरबा में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए 19 पदों का सृजन किया गया है। ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु हार्डवेयर इंजीनियर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के 596 पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। शिक्षकों की भर्ती एवं पद स्थापना के लिए पोर्टल आधारित पारदर्शी, विश्वसनीय एवं सुगम व्यवस्था लागू की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 25 जिला चिकित्सालयों एवं 48 क्रियाशील फर्स्ट रेफरल यूनिट के लिए लैब टेक्नीशियन के 373 पदों का प्रावधान इस बजट में किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां, जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन के लिए 37 पदों का प्रावधान किया गया है। उप स्वास्थ्य केंद्र गोलावंड, जिला कोंडागांव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन हेतु 12 पदों का प्रावधान किया गया है। 15 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 276 नवीन पद सृजन का प्रावधान किया गया है।